नहीं, मेरा तो मानना है कि प्रधानमंत्री जी माफी भी मांगते हैं तो कितने मतलब कमाल ही कर देते हैं। प्रधानमंत्री जी माफी मांगने का ये अंदाज तो हमने फिल्मों तक में नहीं देखा, किसी पुल के गिरने पे या किसी फ्लाईओवर के, कि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। ये भी एक्ट ऑफ फ्रॉड है, शिवाजी महाराज की प्रतिमा का गिरना। आपको उसको इंगित करना चाहिए था कि आपकी डबल इंजन की सरकार उस फ्रॉड में संलग्न है। शिवाजी महाराज की मूर्ति का गिरना आम घटना नहीं है, और इस अंदाज से माफी मांगना, माफी नहीं मिलेगी। मांगने को तैयार नहीं, वो कोर्ट में जाकर लड़ रहे। नहीं, मेरा तो मानना है कि प्रधानमंत्री जी माफी भी मांगते हैं तो कितने मतलब कमाल ही कर देते हैं। प्रधानमंत्री जी माफी मांगने का ये अंदाज तो हमने फिल्मों तक में नहीं देखा, मतलब उसमें भी हाइफन लगा करके सावरकर जी को ले आए। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी आप ही के शब्दों का उपयोग कर रहा हूं, कलकत्ता या बंगाल में आपने कहीं कहा था किसी पुल के गिरने पे या किसी फ्लाईओवर के, कि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। ये भी एक्ट ऑफ फ्रॉड है, शिवाजी महाराज की प्रतिमा का गिरना। आपको उसको इंगित करना चाहिए था कि आपकी डबल इंजन की सरकार उस फ्रॉड में संलग्न है, और उस फ्रॉड के निर्माण में आपकी भी भूमिका थी, तो वो आप नहीं कर पा रहे हैं। कौन सी मजबूरियां हैं प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको उठना चाहिए ना इन चीजों से। शिवाजी महाराज की मूर्ति का गिरना आम घटना नहीं है, और इस अंदाज से माफी मांगना, माफी नहीं मिलेगी। सर, असम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा जी ने जो 2 घंटे का नमाज का ब्रेक है उसको जिस देखिए, ये व्यक्ति अलग ट्रैजेक्टरी पे चल रहे हैं, ईश्वर इनको और तरक्की दे। इनकी जुबान से या इन जैसों की जुबान से मैं ब्लूप्रिंट कभी रोजगार का नहीं सुनता हूं, सौहार्द का नहीं सुनता हूं, थाली कैसे में बढ़ोतरी हो ये कभी नहीं सुनता हूं। ये डॉग विसिल पॉलिटिक्स के उस्ताद लोग हैं। ध्रुवीकरण एकमात्र उपकरण उद्यम इनके जहन में आता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहूं ना, ये अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए इस तरह की चीजों को, जिसको हमारे तेजस्वी जी ने कहा कि वो सस्ती चीप टैक्टिक्स हो जाती है। अब एक और एंगल है, ध्यान रखिएगा, आजकल बड़ा चल रहा है गुवाहाटी बनाम लखनऊ, और ये गुवाहाटी बनाम लखनऊ में गांधीनगर की भी एक भूमिका है। तो ये जो ट्रायंगल है, अभी देखिए इसमें आगे आगे क्या होता है, कहानी दिलचस्प होने वाली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।